हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने बेबी के बारे में, नहीं बेबी के माँ के बारे में। क्योंकि बच्चों को जो है, जब बेबी कोई पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको दूध की होती है, वो भी माँ के दूध की। तो माँ जो है, कोई भी जो नई नई माँ बनी है, वो अपना दूध को कैसे बढ़ा सकती है, आज के पूरे वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे। क्योंकि दूध जो होता है वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। एटलीस्ट 6 मंथ तक हमें अपने बच्चों को केवल और केवल माँ का ही दूध देना चाहिए। तो अगर माँ का दूध ही नहीं बनेगा तो बच्चा दूध पिएगा क्या? और जब तक बच्चा जो है माँ का दूध नहीं पिएगा, देखेंगे कि जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसका जो है इम्यूनिटी, आपने गौर किया होगा कि जो बच्चा जो माँ का दूध ज्यादा पीता है वो बच्चे की हर चीज ज्यादा, मतलब इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग होगी, बच्चा हेल्दी होगा, बच्चा बीमार कम पड़ेगा, हर एक्टिविटी बच्चा जल्दी करता है। तो माँ का दूध जो है बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और जो बच्चा देखेंगे बाहर का दूध पीता है तो वो बच्चा जो है ज़्यादा बीमार पड़ता है, उसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि एक माँ को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, वो भी न्यू बॉर्न, जिसका अभी नया नया बच्चा हुआ है, जो नई नई माँ बनी है, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या क्या खाना चाहिए। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों को जैसे ब्रेस्ट क्या क्या खाना चाहिए ताकि जो है हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बढ़ सके और बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल सके, और बाहर की दूध जो है बच्चों को बाहर से दूध देने की बच्चों को जरूरत न पड़े। तो पूरे वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक कर ले, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब भी कोई बेबी पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो बच्चों को माँ के दूध की ज़रूरत होती है। लेकिन जब कोई बेबी पैदा होता है घर में, तो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका ज़्यादा अट्रैक्शन बेबी की ओर हो जाता है और माँ को मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो भी नई नई माँ बनी है उनको अपना ख्याल खुद रखना होता है। तो अब क्या कैसे जो है, क्योंकि दूध जो है वो अगर नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा, तो बच्चा जो है वो दूध भूखा रह जाएगा और बच्चा रोना जो है वो शुरू कर देगा। और बाहर से आप दूध देना जो शुरू कर देंगे तो एक बार अगर बच्चा बाहर का दूध पकड़ लेता है आदत, तो फिर माँ का दूध वो पीना नहीं चाहेगा। तो स्टार्टिंग से ही हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे मतलब माँ को इतना पर्याप्त मात्रा में दूध हो ताकि बच्चे का पेट जो है वो भर सके। तो क्या क्या हम लोगों को खान पान में ऐड करना चाहिए, किस तरह से ध्यान रखना चाहिए ताकि जो है हमारा जो है दूध मतलब इतना हो, सफिशियंट मिल्क हो, ताकि बच्चा जो है मेरा भूखा ना रहे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको खाने में बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना होगा। जब माँ बनती है तो सबसे पहले गुड़ और तिल, ये जो है बहुत फायदेमंद होता है। तो गुड़ और तिल का लड्डू जो है हमें माँ को जो है वो बनाकर रख लेना चाहिए। और एक दिन में 1 से 2 लड्डू आप अगर खाएंगे तो उससे जो है वो दूध की मात्रा जो है वो बढ़ती है। और जो है तिल और गुड़ जो होता है वो बच्चे को भी काफ़ी फायदा पहुंचाता है। जो माँ खाएगी वही इफेक्ट जो है वो बच्चे को होता है। तो माँ को आप देगी तो वो जो है माँ का दूध बढ़ेगा और वही न्यूट्रिशन जो है बच्चे में जाएगा। तो तिल गुड़ आपका लड्डू आपको बनाकर रख लेना चाहिए और उसे आप खा सकती हैं। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी उसमें डाल सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स का एक लड्डू। अगर ड्राई फ्रूट्स आप डायरेक्ट नहीं खाती हैं तो ड्राई फ्रूट्स का लड्डू आप बनाकर खा सकती हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को आप मिक्स कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा मावा डाल दीजिए और गुड़ बना लीजिए। वह हमेशा अक्सर बना के रखते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स का लड्डू अगर आप खाएंगे डेली 1 से 2 लड्डू, तो ये काफ़ी अच्छा होता है आपको। मतलब जो नई नई माँ बनती है उनको बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको स्ट्रांग बनेगी बनाएगी और आपका बच्चा जो भी है हेल्दी रहेगा। दूसरी वो चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट होती है वो है अजवाइन का पानी। अजवाइन का पानी हमें मतलब नॉर्मल वाटर तो आप पीते ही हैं, और साथ ही साथ आपको अजवाइन का पानी जो है रेगुलर इंटरवल पे पीते रहना चाहिए। आप क्या कर सकती हैं, अजवाइन का पानी जो है वो एक बार खोला कर रख लेती हैं, रख सकती हैं एक बोतल में या फिर कोई ग्लास में, कोई कंटेनर में, उसे थोड़ा थोड़ा करके थोड़े दो घंटे, एक एक दो दो घंटे के इंटरवल पर पी सकती हैं, जब भी प्यास आपको लगती है। उससे क्या होगा, आपका दूध बढ़ेगा, साथ ही साथ जो गैस जो है, बच्चे को कभी कभी देखते हैं गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चे के पेट में गैस भी नहीं बनेगी, आपका जो है गैस जो है वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जब माँ बनती है तो ये सारी प्रॉब्लम जो है होती है। तो अजवाइन का पानी जो है साथ ही साथ
बहुत इफेक्टिव होता है। और अजवाइन का पानी पीने से जो है पेट जो गैस नहीं बनेगा पेट में, पेट साफ रहेगा, तो आपका पेट जो है वो कब देखेंगे डिलीवरी के बाद जो है टाइम पेट जो है थोड़ा निकल जाता है, तो धीरे धीरे पेट का भी कमना शुरू हो जाता है। तो अजवाइन का पानी जो है आपको डेली बेसिस पे जरूर पीना चाहिए। दूसरी वो चीज़ है वो है जीरा का पानी। जीरा का पानी भी काफ़ी इफेक्टिव होता है जो नई नई माँ बनती है उनके लिए। आप इसको बहुत सरल तरीके से यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जो है जीरा भी खा सकते हैं, डायरेक्ट जीरा भी चबा सकते हैं, उससे भी जो है काफ़ी अच्छा होता है, आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चे को भी अच्छा पहुँच मतलब बच्चे को भी फायदा पहुँचाएगा। आप चाहे तो जीरा को भूनकर उसका पानी में मतलब घोल बनाकर भी पी सकते हैं, उससे भी अच्छा होता है। बहुत तरीके से आप जीरा ले सकते हैं। आप चाहे तो जीरा का जिस तरह से अजवाइन का पानी बनाते हैं मसाला का पानी, तो आप जीरा का पानी भी बना लें, या फिर दोनों को मिक्स करके भी पानी बना सकते हैं जीरा और अजवाइन का, और उसको आप सिर्फ मतलब धीरे धीरे दिन भर में रेगुलर इंटरवल पर पीते रहेंगे, तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है जो नई नई माँ बनती हैं उनके लिए, और उससे गैस भी नहीं बनता और इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। तो आप जीरे का पानी भी एक बार जरूर पिए। दूसरे नेक्स्ट जो चीज़ है, आप खाने का अगर बात कर रहे हैं तो दूध आपको ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि दूध जो है माँ को ना दे करके बच्चे को डायरेक्ट पिला देती हैं। ये बहुत गलत होता है, क्योंकि बहुत जो मतलब माँ दूध जब तक नहीं पिएगी तो उनका दूध जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो माँ को एटलीस्ट हाफ लीटर से कम आधा लीटर दूध तो माँ को ज़रूर पीना चाहिए। देखिएगा, दूध अगर आप पीजिएगा तो आपका दूध जो है ब्रेस्ट जो मिल्क जो सप्लाई है वो बढ़ेगा। बहुत लोगों को दूध नहीं मिल पाता है, तो आप दूसरा भी चीज़ जो है छोटे छोटे चीज़ जो है वो घरेलू उपाय कर सकती हैं, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आपको आधा लीटर दूध अपने लिए ज़रूर बचा कर रखना चाहिए और आपको ज़रूर पीना चाहिए अगर आप नई नई माँ बनी है तो। क्योंकि अब जब तक आप दूध नहीं पिएगी तो आपके जो है ब्रेस्ट मिल्क नहीं बढ़ेगा और आपके बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिलेगा, तो दूध आपको पीना जरूर चाहिए। साथ ही साथ दूध में थोड़ी सी आप हल्दी अगर ऐड कर लेंगे तो ऐसे पिएंगे तो बच्चे को देखेंगे, नए नए बच्चे को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है, तो वो भी नहीं होगी और आपको भी सर्दी जुकाम नहीं होगी। तो थोड़ा सा हल्दी ऐड करके आप रात को एटलीस्ट एक बार दूध में हल्दी ऐड करके जरूर पीजिए। नेक्स्ट है दाल। दाल जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। जब आप नई नई माँ बनती है, आप ये प्रेग्नेंट है, तो आपको दाल जो है वो जो दाल आपको अच्छा लगता है आपको दाल जरूर खाना चाहिए। दाल आपको दिन में 3 से 4 बार आप जरूर खाना चाहिए। जैसा दाल आपको अच्छा लगता है, गाढ़ा या पतला, आपको दाल का पानी भी पी सकते हैं, दाल का जो गाढ़ापन होता है उसको भी खा सकते हैं। दाल आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप डेली बेसिस पे 3 से 4 बार दाल जो है बना कर रख लें और दिन भर में दाल को आपको जरूर खाना है। क्योंकि एक जो प्रेग्नेंट जो नई नई माँ बनती है उसको जो नॉर्मल खाना होता है उसे दुगना तिगना उनको खाना खाना पड़ता है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप दाल को भी 2 से 3 बार ले सकती हैं, क्योंकि दाल जो है वो हर किसी के घर में पाया जाता है और जो दाल जो है दूध से सस्ता होता है। अगर दूध नहीं मिलता है तो आपको दाल जो है ज़रूर खाना चाहिए। मसूर का दाल हो गया, अरहर का दाल जो ज़्यादा फायदा नहीं, तो मसूर का दाल हो गया, ये बहुत सारा दाल जो है पीली दाल हो गई, पीली दाल में आपका आ जाता है मूंग का दाल हो गया, ये सारे दाल को आप मिक्स करके भी खा सकते हैं या फिर अकेले बनाकर भी जैसे आपको पसंद होता है वैसे खा सकते हैं, लेकिन दाल आपको खाना ज़रूरी है, ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। बच्चे जिन अभी जो अगर आप नई नई माँ बनी है तो नई नई माँ को मिर्च मसाला जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मिर्च मसाला आप ज़्यादा खाएंगे तो बच्चे को जो है वो पेट में गैस ये सब की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप बच्चे को अपना दूध बढ़ाने के लिए आप जो है साबूदाना आप यूज कर सकते हैं। साबूदाना जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। साबूदाना का खिचड़ी आप बना सकते हैं, साबूदाना जो है दूध में बनाकर खा सकते हैं जैसे लोग नॉर्मल खाते हैं, तो साबूदाना खाने से भी जो होता है बच्चे का जो है माँ का जो दूध है वो बढ़ता है। तो ये सारे चीज़ हैं जिससे करके आप अपने ब्रेस्ट का मिल्क जो है बढ़ा सकते हैं, और ये सारे चीज़ जो है करेंगे तो आपको बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अच्छे से खाए पिएंगे नहीं तो बच्चे की आपकी इम्यूनिटी जो है वीक होगी और आपको बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इससे बचने के लिए ये अच्छा है डॉक्टर को दवाई में पैसे खर्च करने से अच्छा है कि आप खाने पीने में अपना पैसा खर्च करें और डॉक्टर के मतलब यहाँ से जाने से बचें। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपना ब्रेस्ट जो है मिल्क का सप्लाई जो है वो बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपको पानी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लोग सोचते हैं पानी सस्ता है तो पानी को लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन पानी आपको रेगुलर इंटरवल पे 6 से 7 ग्लास पानी आपको जरूर पीना चाहिए, जिससे क्या होता है आपका पेट भी साफ रहेगा, बच्चा का जो पेट है वो भी साफ रहेगा। जितना पानी आप पियेंगे
उतना ही बच्चे को फायदा करेगा और ब्रेस्ट मिल्क जो है बढ़ेगा। बहुत लोग पानी पीना नहीं चाहते हैं, तो आपको पानी जो है प्यास लगे या न लगे रेगुलर इंटरवल पे आपको पानी भी जरूर पीते रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको ड्राई फ्रूट्स जो है, नट्स जो है, सीड्स है, वो आपको जरूर खाना चाहिए। आप लड्डू के फॉर्म में खा सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी है, दूध में जो है ड्राई फ्रूट्स को डालकर उसको खाएंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है और वो जो है आपके बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, साथ ही साथ आपका ब्रेस्ट फीड जो ब्रेस्ट मिल्क जो सप्लाई है उसको भी बढ़ाएगा। तो दोस्तों ये सारे उपाय हैं जिससे करके आप अपने जो माँ जो नई माँ बनी है वो दूध का सप्लाई है जो बढ़ा सकती हैं। अगर दूध का सप्लाई बढ़ेगा तो आपका बच्चा भी हेल्दी होगा और स्ट्रांग होगा और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं जो मुझे नहीं पता है, हो सकता है शायद, तो आप कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि और क्या क्या, मतलब किस किस तरीके से जो है माँ एक दूध जो है बढ़ा सकती है, क्योंकि ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक नई माँ के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने बेबी का ध्यान जरूर रखें।